ये फरमाइएगा कि जो चीफ जस्टिस का नया बयान सामने आया है, नई तहरीक चलाने का उन्होंने जो ऐलान किया है कि बच्चे दो ही अच्छे, तो आप क्या समझते हैं कि आबादी का बढ़ना ये कोई मसला है समाज के लिए और पाकिस्तान के लिए, और इस्लाम इस हवाले से क्या कहते हैं कि आबादी कंट्रोल करो या बच्चे दो ही अच्छे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि किस शख्सियत ने बयान दिया है, किसने नहीं दिया है, उससे कतअ नजर मैं एक उसूली बात और जो कुरान और हदीस का मिजाज है वो आपके सामने जिक्र किए देता हूँ। मुल्क के अंदर और बाहर मुल्क के अंदर भी इस किस्म की माजी में बहुत सारी तहरीकें चलती रहीं, बल्कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ मखसूस महकमे भी इसी मकसद के लिए कायम किए गए। देखिए, कुरान करीम का जो मिजाज है वो है वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। एक जगह पे फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम और एक जगह फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम। हम लोगों को, हम बच्चों को, आने वाली नस्लों को रिज्क देते हैं, तुमको भी हम रिज्क देते हैं और तुम्हारी आल औलाद को भी हम रिज्क अता करते हैं। लिहाजा अपनी औलाद को फक्र व फाका या माशी कमजोरी के खतरात के पेश नजर कत्ल मत करो, ये कुरान करीम के अंदर जा बजा कहा गया है। अहादीस तजीबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं उम्मत की कसरत पर यौम कयामत फख्र करूंगा, मैं दीगर अंबियाए कराम के मुकाबले में अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र का इजहार किया करूंगा। तो गोया तकसीर उम्मत, उम्मत का बढ़ना, उम्मत की बढ़ोतरी और इजाफा, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फखर का जरिया है, तफाखुर का जरिया है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपना एजाज के तौर पर बयान कर रहे हैं और हम आज ये कह रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। गुजारिश ये है, अगर तो किसी खातून को बीमारी हो, मिसाल के तौर पर हम फतवे के अंदर सुबह शाम ये बात लिखते हैं कि अगर अगली विलादत में जान का खतरा हो या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ का अंदेशा हो या किसी किस्म की शदीद कमजोरी या बीमारी का अंदेशा हो, तो उसमें तो फतवा के हजरात ने पहले से इजाजत दे रखी है, गुंजाइश है कि आप माने हमल की प्रेगनेंसी को खत्म करने या रोकने की आर्जी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। वो टेबलेट के जरिए, इंजेक्शन के जरिए, गोलियों के जरिए उसकी गुंजाइश हो सकती है, उसकी इजाजत हो सकती है, उसमें शरई तौर पर कोई रुकावट और मुजायका नहीं। लेकिन बहसियत मजमुई तहरीक की शक्ल इख्तियार करना और इसकी कंपेन चलाना और ये कहना कि बच्चे दो ही अच्छे और कोई नॉर्मल हालात है, कोई मियां बीवी को प्रॉब्लम और मसला भी नहीं है, और उसके बावजूद ये कहा जाए नहीं जी हम इसकी कंपेन चलाएंगे, ये कुरान और हदीस के मिजाज से मेल खाने वाला मामला नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं जी, हमें जो अहादीस तजर्बा का मिजाज पता चलता है वो ये कि अगर घर में बच्चे ज्यादा होंगे तो खुदा रिज्क में इजाफा करेगा, अल्लाह ताला रिज्क में इजाफे का जरिया इसको बनाते हैं। यानी हमारे यहाँ बिल्कुल अकदार, सोच, तसव्वुरात बदल गए। हमारे यहाँ नौजवान क्या सोचता है, पहले सेट होऊंगा फिर शादी करूंगा। इस्लाम का मिजाज बिल्कुल बराक्स है, वो ये कि पहले शादी करोगे तो सेट हो जाओगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं उस आदमी पे हैरान होता हूँ, मैं उस आदमी को बेवकूफ समझता हूँ जो रिस्क में फरावानी चाहता है मगर निकाह नहीं करता। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं उसको बेवकूफ समझता हूँ। एक हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे में एक शख्स आया, उसे या रसूलल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे वैसे नहीं है और बहुत मुफलिस हूँ। फरमाया, अच्छा तुम गरीब हो, निकाह कर दो। एक और शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे नहीं है, मुफलिस हूँ। फरमाया, निकाह कर लो। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो पहले से निकाह शुदा हूँ। फरमाया, एक और शादी कर लो, एक और निकाह कर लो। पता क्या चला इन अहादीस से, इन आसार से, वाजे तौर पर मिजाज ये समझ में आता है कि औलाद होगी अल्लाह रिज्क में बरकत अता करेगा। और वैसे भी आपको ये बात ध्यान के अंदर रखनी चाहिए, और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने तीन चार अफराद को दुनिया में तलाश किया, मुझे कभी नहीं मिले। एक वो जिसने जुल्म किया और खुदा ने उसको जिंदगी के अंदर जुल्म का बदला ना चखाया हो, एक ऐसा बंदा कभी नहीं मिला। दूसरा वो बंदा जो कहे मैंने सदका और खैरात किया था तो मैं गरीब हो गया, ऐसा बंदा भी कभी नहीं मिला। तीसरा वो बंदा जो ये कहे कि मेरा बच्चा हुआ था तो मैं गरीब हो गया, मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैं गरीब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब इंसान निकाह करता, देखें जब तक निकाह नहीं है रिज्क आसमान से सिर्फ उस कमारे फर्द के लिए उतरता है, जब वो शादी के बंधन के अंदर बंध जाता है तो
तो अब औरत भी तो अपना माथा लेकर आती है, औरत भी तो अपना नसीब लेकर आती है, औरत भी तो अपना मुकद्दर लेकर आती है। लिहाजा अब रिस्क में और इजाफा होगा, एक बच्चा होगा रिस्क में और इजाफा, दो होंगे और इजाफा, फिर सलाहियतें भी तकसीम होती हैं, काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हम तो यहाँ उलट मामला देखते हैं, जिस बाप की ज्यादा औलाद है माशाल्लाह कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर, तिजारत के अंदर, उसकी नौकरियों के अंदर, उसके कामों के अंदर वो हाथ बटाते रहते हैं, देखते ही देखते वो बिजनेस का पूरा एक ग्रुप तश्कील पा जाता है। तो हमें तो कुरान और हदीस से ये मिजाज समझ में आता है, लिहाजा हम इसी मिजाज को पेश करने और इसी मिजाज को तरक्की देने के मुकल्लफ और जिम्मेदार हैं। जी चले मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शिरकत।